हेलो 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 हेलो, वेलकम टू लवली किचन। आइए मेरे साथ में सीखते हैं ग्रीन वाली मिर्ची का अचार, जो कि एक वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको मिर्ची का अचार सिखाऊंगी। आप लोगों ने बड़े प्यार से कमेंट्स लिखे कि मिर्ची का अचार सिखा दीजिए। चलो आज सीखते हैं मिर्ची का अचार। लाइट ग्रीन कलर की मिर्ची लेनी है। पहले हम देखते हैं कि इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, और सुंदर प्यारा सा चिली डिप बनाएंगे। लाइक मेरी ड्रेस के कलर की लाइट वाली मिर्ची आपको लेनी है ग्रीन कलर की। तो चलिए सीखते हैं पहले उसके लिए क्या क्या हमको सामान चाहिए। चलिए चलिए जल्दी जल्दी आज सिखाई देती हूँ मैं आपको मिर्ची का अचार, मेरा घर का स्पेशल चिली डिप, जो कि मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि मैं चिली के साथ खाने वाली हूँ। आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया व्हाट्सएप सॉरी कमेंट्स में, मुझे लिख के भेजा कि प्लीज मिर्ची का अचार सिखा दीजिए। तो आज मैं सिखाने वाली आपको मिर्ची का अचार घर का कैसे बनेगा, झटपट फटाफट, और अच्छा लगेगा तो आपको बना के खाना है, मुझे फोटो भेजनी है। ये कम तीखा वाला मिर्ची लेना आपको, तेज वाला मिर्ची नहीं लेना, जो लाइट कलर का रहता है ना वो लेनी है आपको। ये वाली आप मिर्ची ले लीजिए, जितना आपको बनाना है वो हिसाब से। पाव किलो लेंगे तो एक बार बनाएंगे तो अच्छा है, वैसे तो इतना टेस्टी लगता कि आप एक किलो मिर्ची का भी बनाएंगे चलेगा, बट पाव किलो तो जरूर लीजिए। और ये लेना सरसों का तेल, और ये लेनी है थोड़ी सी राई, ब्लैक सरसों जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा नमक, और ये मेरा विनेगर, ये जो नॉर्मल विनेगर होता है, बस इन चीज़ों से बनेगा ये मेरा अचार। अब मैं इन मिर्चों को लेके करूँगी मिक्सर में, इसको क्रश कर लेना पूरा। क्रश करने के बाद में मैं इसको कैसे बनाती हूँ आपको दिखाती हूँ, पहले इसको क्रश कर लेती हूँ उसके बाद क्या करना बताती हूँ। अब हमको एक ऐसा पैन रख लेना है जिसको गरम कर लेना है, और गरम पैन में अपना तेल डाल देंगे। और ये तेल को, जैसे आपको पता है कि सरसों के तेल को हमको पकाना चाहिए, तो इसको स्लो गैस पे हम लोग इसको पकाएंगे अच्छे से, इसका जल के इसका वो जो फ्लेवर टेस्ट होता ना कड़वेपन का वो जाना चाहिए। इसको स्लो गैस पे 5 मिनट की हम तेल को अच्छे से पकने देंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपनी राई और अपनी मिर्चें जो हमने मिक्सर में क्रश कर लिए हैं वो डालेंगे। ये देखिए मैंने मिक्सर में मिर्चों को ऐसे कर लेना है, पानी बिल्कुल नहीं डालना, पानी बिल्कुल नहीं आना चाहिए, पानी डालने से एकदम खराब हो जाएंगी। बिल्कुल बिना पानी के ऐसे क्रश कर लेना है इसको, और गले को लगती है ध्यान से इसको दूर रखना है। अब मेरा तेल हो चुका है गरम, और देखिए 2 चम्मच मैंने लिया है विनेगर, 2 चम्मच विनेगर लूंगी सिर्फ। देखिए मेरा तेल हो गया गरम, अब मैं इसमें डाल दूंगी अपनी सरसों राई, इसको चटकने देंगे, और इसमें डाल देंगे साथ में नमक। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपनी मिर्चें, ये मैंने मिर्चें इसमें डाल दी तेल में, अभी इसमें नमक तेल और मिर्चें। अब हम इसको स्लो गैस पे, गैस तेज नहीं करना, बस चम्मच से इसको स्टेयर करते रहना, हिलाते रहना, इसको अच्छे से थोड़ा सा भून लेना है। भून लेना मतलब इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, बट 5-10 मिनट के लिए अच्छे से पक जाएंगे, इसका कड़वापन भी कम हो जाएगा, और मीन्स की जो इसमें मॉइस्चर है ना, थोड़ा सा जो पानी का पीसने के बाद मिर्चों का थोड़ा पानी छूटता है वो सुखाना है हमको बेसिकली। बस 5 मिनट के लिए इसको भूनेंगे और अच्छे से ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसमें हम डालेंगे अपना विनेगर। तो अपनी मिर्चें रेडी, अब इसको मैं भून के ठंडा करूंगी, उसके बाद इसमें डालूंगी अपना विनेगर। मेरी मिर्ची ठंडी हो चुकी है एकदम, उसको कोल्ड हो चुकी है, तब हमने इसमें विनेगर ऐड करना है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ, देखिए ये पकने के बाद में, देखिए अभी चाहे तो इसमें ऑयल और डाल सकते हैं, ये पूरा इसका ना नाक को कड़वा लग रहा है, लेकिन जवान को खाने में बहुत ही मजा आने वाला है। अब मैं इसको निकाल देती हूँ, बाउल कर लेती हूँ, और इसमें ना थोड़ा सा तेल और डाल देंगे, हल्का सा इसमें ऑयल और ऐड कर लेंगे, ताकि वो अचार जैसे किसे उतना थोड़ा लिक्विड अच्छा लगता है, हल्का ढीला ढीला। बस 2 चम्मच मैं इसमें तेल और डाल लूंगी, भाई सरसों का तेल, ये देखिए एक्चुअल में थोड़ा तेल और लगेगा। आप बोलेंगे कच्चा क्यों डाल रहे हैं, बट इसमें अभी ऊपर से क्योंकि थोड़ा लगना है 2-3 चम्मच, तो ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा तेल और डालेंगे। तो
देखिए इसको अभी आपने रख देना है कांच की बोतल में डाल के, फ्रिज में रखिए, बाहर रखिए, खराब नहीं होता है। लास्ट में इसमें क्या करना है, इतनी अगर मिर्ची है तो 2 चम्मच ये वेनेगर, व्हाइट वेनेगर, बस। इससे क्या होगा, थोड़ा कड़वापन कम हो जाएगा, हल्की सी खटास आ जाएगी उसके अंदर। तो ये बन गया मेरा सुंदर प्यारा सा चिली डिप। जब आप पराठे के साथ खाएंगे, जब आप चावल के साथ खाएंगे, दाल चावल के साथ, कोई भी सब्जी नहीं है, दाल चावल अच्छे नहीं भी बने, फिर भी बहुत ही मजा आने वाला है इसके साथ। देखिए ये ज्यादा नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा खाना, नहीं तो कभी गर्मी कर जाएगा। तो मेरा ये रेडी हो गया अचार, आपको बना के खाना है, फिर मुझे बताना है प्लीज, क्योंकि कोई कोई डिश होती ऐसी होती जो कि मेरी बहुत फेवरेट होती है और वो हम रोज घर पे खाते हैं, तो मेरा मन करता आपको स्पेशल बता दूं। तो आप ऐसी वाली अचार अपने घर पे बना के फिर मुझे बताइएगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर कमेंट्स करना नहीं भूलना है। बाय बाय।